ओंकारेश्वर पुलिस ने 12 घंटे में लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। पेट्रोल पंप के कर्मचारी अंकित ने दोस्तों के साथ मिलकर 36,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों से 13,910 रुपए नकद व चाकू व मोबाइल जब्त किए हैं। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। ओंकारेश्वर रोड स्थित जायसवाल पेट्रोल पंप पर देर रात नकाबपोश 7 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। चाकू की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। खंडवा SP विवेक सिंह, SCOP राकेश पेंड्रो के निर्देश पर थाना प्रभारी शिवराम जमरा ने दलबल के साथ आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास शुरू किए। 12 घंटे में TI शिवराम जमरा ने 5 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से दबोच लिया। Red 9 न्यूज के लिए ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। मानदाता पुलिस ने बहुत ही तत्काल प्रभाव से काम करते हुए 24 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे हम बड़े संतुष्ट हैं। 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, जो कि जल्द से जल्द गिरफ्तार उनके द्वारा कर लिए जाएंगे। इसके अंदर एक मेरा कर्मचारी भी मिला हुआ था और उसका भी पर्दाफाश किया। हम मानदाता पुलिस से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। ओंकारेश्वर में जो लूट की घटना जायसवाल पेट्रोल पंप पर हुई थी, उसके 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 2 जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आज जितने गिरफ्तार आरोपी हैं उनको JR पर पेश किया जाएगा।